पंजाब की जेल में गैंगवार के बाद द जश्न लॉरेंस के गुर्गों का वीडियो आया सामने। तुनिशा सुसाइड केस में शिजान को मिली जमानत, बाहर निकलते ही माँ और बहनों के गले लगकर रोया। 70 दिन से जेल में था शिजान। सिसोदिया केस पर 9 विपक्षी नेताओं की पीएम को चिट्ठी, कहा गिरफ्तारी ने दिखाया कि हम लोकतंत्र से तानाशाही में बदल गए। एटा मेडिकल कॉलेज पर महिला का गंभीर आरोप, बोली सेम एचआईवी इंजेक्शन को बार बार यूज कर रहे हैं डॉक्टर। रामपुर में सीआरपीएफ जवान ने गोली मारकर किया सुसाइड, कैंपस में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला शव, खून से लथपथ, राइफल पास पड़ी थी। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। देवरिया में कांग्रेस कार्यालय पर धनंजय पांडे का भव्य स्वागत किया गया, साथ ही साथ कई कांग्रेसियों ने एक दूसरे से गले मिलकर होली मिलन समारोह का भी लुत्फ उठाया है। जिलाध्यक्ष गोविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि आपसी मनमुटाव को भुलाकर होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, पूरे ईमानदारी के साथ पूरे जिले में और उत्तर प्रदेश के पूरे जिले में प्रयास करूंगा संगठन को खड़ा करने के लिए पूरी मजबूती के साथ, और आने वाले चुनाव के समय एक पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस दिखेगा। क्या मतलब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मेरा अपील यही है कि वर्तमान में जो सत्ता में आसीन जो सरकार है, यह झूठ की सरकार है, यह झूठ पे खड़ी हुई सरकार है। इनका जो भी बयान है वो सारा का सारा जुमला ही निकलते जा रहा है। इनके मंत्री के घर में 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, जो निश्चित तमाम न्यूज चैनलों पे देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश और तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। गाजियाबाद में शातिराना अंदाज में आरोपियों ने पहले लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि आरोपियों ने पहले ओला कैब बुक की, उसके बाद इंद्रापुरम क्षेत्र में पहुंचकर ओला कैब के साथ ड्राइवर के फोन और नकदी लूटकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओला कैब बुक की गई थी यहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र से, और वहाँ पे दो लोग जो हैं ओला में सवार होकर के उनको जाना था दिल्ली की तरफ, और बीच में ही रास्ते में इंद्रापुरम क्षेत्र के आसपास उन्होंने उसके साथ में लूट की घटना कारित की। जो ड्राइवर था उसके 2 मोबाइल और उसने बताया उसके पास जो भी नकदी थी वो उन्होंने लूट ली, और उसको लूट करने के बाद में उसको वहीं क्षेत्र में छोड़ दिया, उसकी गाड़ी लेकर के फरार हो गए। इसके बाद अगले दिन इसकी सूचना थाना कोतवाली पुलिस को प्राप्त हुई, और गाड़ी मालिक जो ओला कार के मालिक थे रिजवान, उनकी तरफ से तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें तभी घटना के अनावरण हेतु 3 टीमें लगाई गई थी, और उन्हीं टीमों को सफलता के दौरान 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एमयू के छात्रों ने मॉडल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चेयरमैन को सस्पेंड करने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि मॉडल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन छात्रों को बेवजह परेशान करते हैं और शिकायत करने पर उनके साथ बदसलूकी करते हैं। छात्रों ने चेयरमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए एमयू प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरीके की हरकतें सामने आती रही हैं पहले भी, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने कभी भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जितनी हिम्मत हमारे आज महबूद भाई ने दिखाई है।
एक चेयरमैन जो मॉडर्न लैंग्वेज के चेयरमैन हैं वो उनकी थीसिस रोक दे रहे हैं और वाइवा की डेट नहीं दे रहे हैं। जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि उनकी 11% जो है वो जो पिछली थीसिस है उनसे मैच हो रही है। आपकी बिब्लियोग्राफी हटा के और प्रेफरेंस हटा के अब देखा जा रहा है तो 8% रह जा रही है। तो ये पहली बात, बंगाली स्टूडेंट हैं तो सबसे पहली बात तो कैंपस के अंदर ये सारा डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी हो उसके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो बुरी तरह फंस चुके हैं, पूरी यूनिवर्सिटी जान रही है ये चीज़ कि उन्होंने महबूद भाई के साथ तो जुल्म ज़्यादती की है, उनके साथ साथ वहाँ की एक मैडम है उनके साथ भी जुल्म ज़्यादती की है। पहली चीज़, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के हित के लिए बोलता था, बोलता हूँ। इन जैसे कुछ चेयरमैन जो हमारे बच्चों को परेशान करते हैं, अगर ये मुझे डराते हैं कि एक मुकदमा हम तुम्हारे पर लगवा देंगे तो मैं इन सब अपने भाइयों और इदारों के स्टूडेंट के लिए 100 या 1000 मुकदमे खाने को तैयार हूँ। एक्चुअली मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में एक चेयरमैन साहब हैं उनका और एक रिसर्च स्कॉलर है वहाँ, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ। वो ये कह रहे हैं जो रिसर्च स्कॉलर है उसका ये कहना है कि मेरी पीएचडी सबमिट जमा हुई थी और उसकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट फेवर में आ गई है, लेकिन चेयरमैन साहब का ये कहना है कि उसकी प्लेग्रेजुएशन रिपोर्ट जो थी वो 11% थी जो कि उनके द्वारा गलती से फॉरवर्ड कर दी गई थी, इसलिए इसकी रिपोर्ट उनके फेवर में आ गई। तो ये विवाद को लेके छात्र नेता एक दिन जैद शेरवानी वहाँ गए, उनके साथ उनका कुछ विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने उसकी कंप्लेंट की है। लेकिन इस सारे इशू के लिए हमारे वाइस चांसलर साहब ने टू मेम्बर्स वाइस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में होली को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और पुलिस टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। इस दौरान मौके पर लगभग 60 कुंतल से अधिक लहन नष्ट की गई। बरामदगी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब की निष्कर्षण तथा बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना कसिया अंतर्गत ग्राम भैसाहा, हितिमपुर तथा अन्य स्थानों पर पुलिस, राजस्व तथा आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 60 कुंतल लहन नष्ट की गई है तथा प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। देश भर में 5वां जन औषधि दिवस 2023 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मनाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संजय गांधी पुरम फैजाबाद रोड लखनऊ में जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर सौरभ बोझा, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर नफीस द्वारा मेडिकल चेकअप और मुफ्त जाँच की व्यवस्था का संचालन किया गया। इस मौके पर केंद्र के ऑनर और केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शुक्ला द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में काम कर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। खबर लखनऊ से है, आपको बता दें जहां जन औषधि दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जांच की व्यवस्था का भी संचालन किया गया, इसमें कई डॉक्टर वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर सौरभ ओझा, डॉक्टर अर्चना सिंह और डॉक्टर नफीस अहमद वहां पर मौजूद रहे। जन औषधि का 5वां जो दिवस है आज मनाया गया है, लखनऊ में संचालन किया गया। इस मौके पर केंद्र के ऑनर और केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय शुक्ला द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में काम कर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। मैं आज इस माध्यम से शुक्रिया करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी का एवं विनय जी का कि हम इस तरीके से जन औषधि केंद्र को प्रमोट कर पाए हैं। खासकर आपने देखा होगा कोविड के बाद से चेस्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा तरीके से आगे आई हैं। ऐसे में अगर हमारे मरीज़ों को सस्ती दवाइयां मिल जाए तो ये उनके उपचार के लिए, उनके ओवरऑल चीज़ सारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए शुक्रिया। मैं इस अपॉर्चुनिटी में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को आई वुड लाइक टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक एवरीबॉडी, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये कॉमन मासेस जिनके पास महंगी दवाइयों का एक्सेस नहीं होता उनके लिए एक वरदान है,
जिससे वो महंगी जिससे वो बीमारियां जैसे गठिया और डायबिटीज़ और भी बीमारियां जिनकी जिसका उम्र भर इलाज चलता है उनकी दवाइयां लेने में सक्षम हो सकते हैं और उसे अपना सटीक इलाज अपना इलाज अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे भारतीय घरों में यही होता है कि लोग लंबे समय तक अपनी दवाएँ अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये जन औषधि केंद्र एक वरदान है उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ही क्रॉनिक बीमारियाँ हैं। तो मैं विनय सर को और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़े आभार देना चाहूँगी कि उन्होंने देश के लोगों के लिए ये सौगात दी है एंड आई होप कि ये हर गांव हर कस्बे में पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं डॉक्टर मोहम्मद नफीस खान जनरल फिजिशियन। आज हम लोग जन औषधि केंद्र पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का साप्ताहिक जो हर साल मनाया जाता है सप्ताह उसके अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है ख़ास तौर से गरीब लोगों के लिए। ये दवाएं 50-90% तक इसमें सस्ती मिलती हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो महंगी दवाएं खरीदने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए हम लोग इन दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं वो जिससे कि वो लोग इलाज ले लें। ये योजना पूरे देश में चल रही है। हमारे पास आधे से ज़्यादा मरीज हमारे इन्हीं दवाओं पर डिपेंड हैं और इनका रिजल्ट भी अच्छा है। मार्केट के रेट से जो गोली मार्केट में 20 रुपये की मिलती है वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर वो वही कंपाउंड 2 या 3 रुपये में मिल जाता है। इससे हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, लोगों की है इसमें इलाज बेहतर हो पा रहा है। लेकिन इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं आप लोग के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि जन औषधि केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, लोगों तक इसकी पहुँच होनी चाहिए। इसी के साथ मैं एक बार इस योजना से जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पांचवा हम लोगों का हर साल हम लोग मनाते हैं जन औषधि दिवस सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक। इसी के तहत में पांचवा शिविर हम लोगों ने आयोजित किया था जिसमें आज पांचवें दिन हम लोगों ने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया था सिर्फ जन जागरूकता के लिए लोगों को कि भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है। और 1 तारीख से 7 तारीख तक लगातार इसमें जन जागरूकता के लिए हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें पहले दिन हम लोगों ने LED वैंस चलवाई। हरदोई में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया है। पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान में 24 घंटे में 3,778 लीटर शराब और 58 भट्टियां बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 202 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विशेष करके जो होली का पर्व आगामी 2 दिन के बाद है उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 24 घंटे का जनपद में अभियान चलाया गया था जिसमें अवैध शराब के विरुद्ध अभियान था जिसमें से कुल 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 3,778 लीटर अवैध कच्ची शराब और 58 शराब बनाने वाली भट्टियां पकड़ी गई हैं और लगभग 3,00,000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। बिजनौर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले हुई 5 वर्षीय मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी बुरी नीयत से बच्ची को अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो बच्ची की हत्या कर दी। 5 वर्षीय एक बच्ची की निर्मम हत्या करके उसको शव को खंडहर में बरामद किया गया था। 3 टीमें हमारी तत्काल गठित की गई थी, प्रभारी निरीक्षक किरतपुर और स्वाट सर्विलांस की टीम ने अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। अभियुक्त जो कि उसी कस्बे का रहने वाला है, यहाँ अपने मामा के घर रहता था, उसके द्वारा यह कृत्य कारित किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में उपयुक्त चाकू बरामद की गई है। घटना का खुलासा करने वाली टीम पर पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद पर क्षेत्र के द्वारा 50,000 का नकद इनाम घोषित किया गया है। हत्या के कारण का कुछ पता चल पाया? हत्या का कारण यह जो लड़का है ये नशेड़ी प्रवृत्ति का है और लड़की को गलत नीयत से ही ले आया, लेकिन लड़की चीखने चिल्लाने लगी तो उसने हत्या कारित कर दी।
ऑल इंडिया यात्री वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने फूलों की होली खेली। बता दें कि यहां मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने रेल यात्रियों की समस्याओं को लेकर समिति के द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सहमति जताई है। हमारे अमरोहा का रेलवे स्टेशन है, जो बड़ा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, यहाँ हमारी एक ऑल इंडिया यात्री वेलफेयर एसोसिएशन एक समिति है जो यहाँ बहुत यात्रियों का ख्याल रखती है। तो ये हर साल बुलाते हैं तो मैं इनके साथ आता हूँ। इनको 8 साल हो गए इस समिति को यहाँ काम करते हुए, और मैं यहाँ देख कर इनके काम से बड़ा खुश हूँ कि ये लोगों की किसी को दुख तकलीफ़ नहीं आने देते। यहाँ यात्री को कोई तकलीफ़ होती है तो ये खुद उसकी हेल्प करते हैं। और आज मैं देख रहा था सफाई भी यहाँ बहुत अच्छी थी, तो मैं पूरी समिति को बधाई देता हूँ। और यहाँ हमारे मोदी जी ने जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो हमारी यहाँ की ये रेलवे स्टेशन को मतलब पिछली बार जब हमारे मंत्री जी आए थे, जब बोल के भी गए थे यहाँ को, मैं इसको हम आदर्श उसमें बनाएंगे, लेकिन अब वो काम चालू हो गया है। मुरादाबाद मंडल में कईयों में कई काम चालू हो गए हैं, जो रेलवे स्टेशन आज नए मॉडल के बनने जा रहे हैं। तो मैं अपनी सरकार को भी बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी का, कितना काम जो कर रहे हैं। आज रेलवे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हाईवेज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समिति को बार बार धन्यवाद। रायबरेली में अदीलाबाद गांव में धर्मांतरण का खेल जारी है। बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे वहां पर बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जमीन और मकान का लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हिंदू से क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए पैसे दिया करते थे। इस मिशन में कई और भी लोग जुटे हैं। करीब 1 साल से चल रहा था धर्म परिवर्तन। ईसा मसीह वाले लोग जो है धर्म परिवर्तन के लिए कई लोगों को बुलाते थे, तो आज योगी बाबा की कृपा हो गई, कम से कम आई पुलिस यहाँ से ले गई है, दो तीन लोगों को भर के ले गई है। पुलिस कितने लोगों को ले गई है? 2 लोगों को ले गई है, पुलिस आई थी, 2 लोगों को ले गई है। और ये बड़ा ही गलत कार्य हो रहा है। बताइए, हिंदू होने के बाद भी हिंदू धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, ईसा मसीह का कर रहे हैं कि नहीं, ईसा मसीह में लोग जाएं। ये करीब 1 साल से गांव में लोग बहुत ही परेशान भी थे, खिलाफत भी किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब योगी बाबा ने जो किया, बड़ा ही अच्छा कार्य किया, बहुत सुंदर कार्य किया। अमरोहा में नवनिर्मित श्री राणा सिंह इंटर कॉलेज का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डीएम समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे। विधायक हरि सिंह ढिल्लो ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने का कार्य विगत कई वर्षों से कर रहे हैं और उनके द्वारा 3 स्कूल पहले से ही संचालित हैं। MLC डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी जो पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, अमरोहा में भी उनका एक विद्यालय है और उनके मूल ग्राम में भी 2500 विद्यार्थियों के 2 विद्यालय पहले से संचालित हैं। उसी क्रम में CBSE बोर्ड का अपने पूज्य पिता श्री राणा सिंह सिख इंटरनेशनल स्कूल, उसका आज शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। यह विद्यालय इस क्षेत्र के विकास का एक केंद्र बनेगा, केवल विकास का केंद्र नहीं बनेगा, एक सामाजिक परिवर्तन का भी, उसकी चेतना का भी एक केंद्र बनेगा। शाहजहांपुर में भाजपा कार्यालय पर आज बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बूथ सशक्तिकरण अभियान के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान बैठक में भाजपा कार्यकर्ता और कार्यकर्त्री मौजूद रहे। संभल में असमोली क्षेत्र में खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली का एक हेटरटास को सीज किया गया है। आपको बता दें कि खनन माफिया द्वारा अवैध रूप से खनन का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए खनन अधिकारी को मौके पर भेजकर खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को और हेक्ट्रा को सीज कर दिया गया है। टांडा कोठी की तरफ अवैध खनन हो रहा है, जिसमें एक मिनी जेसीबी और 4-5 ट्रैक्टर संलिप्त हैं।
शिकायत के ऊपर जो हम लोग जब हमने जाकर के चेक किया तो पाया कि इसमें एक भरा हुआ ट्रैक्टर हमने रोका, उसके बाद जब हम खनन स्थल पर पहुँचे वहाँ पर 3 खाली ट्रैक्टर और एक लोडर मौके से भागने का प्रयास कर रहा जिसको हमने रोका। फिर हमने थाना अध्यक्ष महोदय जो हैं असमोली उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके उनसे फोर्स मंगाई और फोर्स के साथ हम जो है इसको असमोली थाने में ला के हमने इसको सीज किया है। अलीगढ़ में 10वीं की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा के साथ गैंगरेप से लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि गांव के 5 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्यवाही जारी कर रही है। मैं कल स्कूल से जा रही थी, पेपर देके तो रास्ते में 2 लड़के मिले थे मुझे, वो मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे बाइक पे बैठा कर सुनसान जगह पर ले गए थे। अच्छा, तो क्या हुआ, कुछ गलत कार्य किया उन्होंने आपके साथ? हाँ। कितने लोग थे वहाँ पर? 3 और मौजूद थे पहले से ही। तो कुल कितने लोग थे? 5। तो पुलिस से आपने शिकायत की घटना की? हाँ। FIR दर्ज हो रही है? हाँ। कुशीनगर में रोटरी क्लब ने पत्रकार बंधुओं के संग होली मिलन एवं सम्मान समारोह रंगोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं को रोटरी के सदस्यों द्वारा वस्त्र एवं होली किट देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद रोटरी के संरक्षक होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। क्लब हमेशा एक जैसे जानते हैं गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संस्था है और इसका काम है मानव सेवा। उसी क्रम में हमारे जो पत्रकार साथी हैं एक सबके साथ मिलकर ये हुआ कि एक हम रंगोत्सव का कार्यक्रम करें। उसी के तहत आज यहाँ पे एक सभी जिले के सभी पत्रकार बंधुओं के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें जिले के लगभग सभी पत्रकार यहाँ पे उपस्थित थे। हम लोगों ने एक तरह से आपसी भाईचारा सद्भाव और बना रहे विचार है कुशीनगर रोटरी का, वो हमेशा ही सौहार्द को ऊपर रखकर ही हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग हर एक त्यौहार, होली हो, दिवाली हो, ईद हो या राष्ट्रीय पर्व हो, सब मिलजुल कर मनाते हैं। इसमें भेदभाव की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, एक मंच पर सब हम एक साथ हैं। देशवासियों को हमारे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबको पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और यूपी नेडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सोलन एनर्जी और ई व्हीकल एक्सपो IEI भवन में आज समापन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया था, जबकि इस कार्यक्रम का समापन यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने किया। वहीं इस मौके पर इंडिया सोलर और ई व्हीकल एक्सपो के चेयरमैन ने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को उद्यमियों की बहुत आवश्यकता है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के तत्वाधान में 2014 से हम लोग सोलर एक्सपो लगा रहे हैं। 2018 तक हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया सोलर समिट के नाम से इसका आयोजन किया लखनऊ में और इसकी लोकप्रियता को बढ़ते हुए हम लोगों ने 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की सोलर प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया। इस वर्ष 2023 के लिए हम लोगों ने 2, 3, 4 मार्च में इसका आयोजन किया और इस बार हम लोगों ने तीसरी बार ई व्हीकल के ऊपर भी स्टॉल लगवाया। ये राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी है जो केवल ई व्हीकल और सोलर के ऊपर काम कर रही है। पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सोलर, इन दोनों से हमें ग्रीन एनर्जी मिलती है, पॉल्यूशन कम होता है और लोगों के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होगा, ऐसा लक्ष्य है सरकार का भी और हम लोगों का भी यही प्रयास है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो